हेलो हेलो माने हाय या हेलो हेलो। देखिए इस शब्द की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, इसकी स्पेलिंग अंग्रेजी से अलग है। हेलो हेलो हाय या हेलो हेलो। गुटन टाग, गुटन टाग का मतलब होता है शुभ दिन, आपका दिन शुभ हो, गुटन टाग। ये इसके लिए जैसे हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं गुड डे या गुड आफ्टरनून, गुटन टाग, गुटन टाग शुभ दिन, गुड डे या गुड आफ्टरनून। गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन शुभ प्रातः यानी गुड मॉर्निंग, गुटन मॉर्गन शुभ प्रातः या गुड मॉर्निंग, गुटन मॉर्गन गुड मॉर्निंग। गुटन आबेंड शुभ संध्या या गुड इवनिंग, गुटन आबेंड शुभ संध्या या गुड इवनिंग, गुटन आबेंड। गुटे नाख्ट, गुटे नाख्ट शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुटे नाख्ट शुभ रात्रि या गुड नाइट, गुटे नाख्ट। ऑफ वीडरजेन, ऑफ वीडरजेन अलविदा या गुड बाय, ऑफ वीडरजेन अलविदा या गुड बाय। देखिए ऑफ वीडरजेन ये पारंपरिक बोलचाल, औपचारिक बोलचाल में इस्तेमाल होता है ऑफ वीडरजेन, यानी फॉर्मल बातचीत में। अनौपचारिक बातचीत यानी इनफॉर्मल बातचीत में इसके लिए हम एक और शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं जो है च्यूस। ऑफ वीडरजेन गुड बाय या अलविदा, च्यूस च्यूस चीज, अलविदा या गुड बाय, चीज यानी चीज हम अपने से छोटों, अपने से बराबर वालों या अपने दोस्तों वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं। चीज चीज गुड बाय अलविदा। अब देखिए चीज में जो यू इस्तेमाल हुआ है इस पर दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, सॉरी दो बिंदियां हैं। ये दो बिंदियां जब यू पर हों तो यहाँ पर यू का उच्चारण होता है ई ई ई, चीज चीज अलविदा या गुड बाय।